नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में आज छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई महाविद्यालय के छात्र मौजूद रहे। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि छात्र संघ चुनाव 2020-21 की तिथि जल्द से जल्द घोषणा की जाए, जिससे छात्रों के पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जिले में अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, उसी तरह छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द घोषित की जाए। हम सभी को पठन पाठन में काफी दिक्कत आ रही, थोड़ा सुचारू रूप से चल सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हम महाविद्यालय के प्राचार्यों से लोग बात करके जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित करेंगे। इस दौरान काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे। देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। ज्ञापन देने आया है जिला प्रशासन को, क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग ये है कि हमारे सिमली नेशनल पीजी कॉलेज, दुर्गा जी पीजी कॉलेज, चंडेश्वर पीजी कॉलेज, मानतारी पीजी कॉलेज और तरई पीजी कॉलेज के हम सभी छात्र आज आए हुए हैं। आज हम लोग डीएम साहब से मिल करके ज्ञापन दिए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हर प्रदेश में और हर जगह पे चुनाव कराया जा रहा है, चाहे एमएलसी का चुनाव अभी कल की डेट में हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के जो छात्र संघ का चुनाव है, ये इसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित होनी चाहिए, जिससे हम छात्रों के जो पठन पाठन में भी दिक्कतें आ रही हैं, जो वो अपूर्ण रूप से सुचारू रूप से चले। हम लोग यही मांग लेकर के डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और डीएम साहब अभी सर कहे हैं कि हम इस पे प्रचार महोदय लोगों से बात करके चर्चा करके इसकी तिथि घोषित करेंगे।